फिकर आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, फिक्र आपकी में। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। लगता है कोरोना की दूसरी लहर हम भूल चुके हैं और एक नई लहर को हमने न्योता दे दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन पहाड़ों पर लोग सैर सपाटा करने निकले हैं, वहां से अब फिक्र की बड़ी खबरें आ रही हैं। आज हम इसी बड़ी फिक्र की पड़ताल करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और कल गांधीनगर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज हम काशी टू गांधीनगर के इस कायाकल्प की पूरी कहानी बताएंगे। और इस बीच पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं और बढ़ती महंगाई ने देश का पारा हाई कर दिया है। आज कांग्रेस ने देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही, इसका आज पूरा विश्लेषण होगा। और फिर बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसने भारत में जासूसी का पूरा नेटवर्क बना रखा है। पोखरण में हुई एक जासूस की गिरफ्तारी से इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया है, लेकिन फिक्र यह है कि इस नेटवर्क में आस्तीन के सांप की तरह काम कौन कर रहा है। और पंजाब कांग्रेस के घमासान पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सिद्धू की मीटिंग के बाद कैप्टन ने बुलाई है आपात बैठक। करीबी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की बैठक बुलाई गई है। मोहाली के सिसवां फार्म हाउस पर अमरिंदर की बैठक चल रही है। कैप्टन गुट के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले सिद्धू ग्रुप के जो विधायक थे उनकी बैठक हुई बताई गई और उसके बाद अब कैप्टन ग्रुप के विधायक सिसवा फार्म हाउस में बैठक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज दिन में ये खबर आई कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और दो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे और इस बारे में सहमति बन चुकी है, कैप्टन भी राजी हैं। लेकिन शाम होते होते पता चला कि ये बात कैप्टन को गवारा नहीं है और इसी का रिपरकशन आप देख रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली में गहमा गहमी क्या है और मोहित मल्होत्रा हमको बताएंगे पंजाब से क्या चल रहा है। लेकिन मोहित, दिल्ली में तो इंटरप्रेट किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने मैसेज कन्वे किया है कि सोनिया गांधी क्या चाह रही है और कैप्टन उस पर रजामंद है, फिर ये क्यों हुआ? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, सीधे तौर पे जो अब तक बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी बात से नाराज हैं कि जब उन्होंने मना किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद ना दिया जाए, उसके बाद ये ताजपोशी करने की तैयारी कैसे कर ली गई और हरीश रावत ने कैसे एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। इसी बात को लेकर अब कहीं ना कहीं जो कैप्टन खेमा है वो इस बात पर अड़ा है कि वो किसी भी हाल में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ या उनके नीचे, क्योंकि अगर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भी है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कहीं ना कहीं उनको अध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी, उनके साथ काम करना पड़ेगा। इस बात को लेकर कैप्टन बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उनके साथ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी इस बात को लेकर तैयार नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में अभी आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में एक अज्ञात जगह पर, गुप्त जगह पर अभी भी वो 5 कैबिनेट मंत्री और करीब 10 विधायकों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ठान लिया है कि अगर उनको पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं दिया जाता तो वो क्या करेंगे, इसकी पूरी तैयारी आपको जल्दी से दिखा देता हूं। देखिए, अभी रात का वक्त है, ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो फार्म हाउस है उसकी तरफ जाने का रास्ता है मोहाली के सिसवां पे। यहाँ पर फिलहाल पुलिस फोर्स लगी हुई है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो VIPs हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कैप्टन खेमा भी पूरी तैयारी कर रहा है। और सीधे तौर पर अब ये साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे नहीं हटेंगे, वो किसी भी हाल में नवजोत सिंह सिद्धू को बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं देख सकते। नहीं, ये बात तो समझी गई, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा था कि शायद आला कमान उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गया है। सुप्रिया भारद्वाज के पास चलता हूं। सुप्रिया भारद्वाज, एक समय जब ये बात लग रही थी, फिर ये कैसे हो गया, ये समझने में आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह पर एक और बड़ा एंगल आपको बता दूं। कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया से फोन पर बातचीत की है, सोर्सेस बता रहे हैं। सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने तो पार्टी दो फाड़ होगी, कैप्टन ने कह दिया है। पंजाब कांग्रेस में पड़ सकती है फूट, कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ वार्निंग दे रहे हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा मौका आया ही नहीं था जब वो इस बात के लिए रजामंद हुए हों कि सिद्धू ठीक है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, या कहीं पर वो रजामंद हुए थे लेकिन बाद में उनको लगा कि ये ठीक नहीं है और वो बाद में इस बारे में उन्होंने यू टर्न ले लिया? जरा ये समझने के लिए चलते हैं सुप्रिया के पास। सुप्रिया, क्या है एक्चुअली, क्या चल कह रहा है?
देखिए दिनेश, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सिद्धू का खेमा है वहाँ से लगातार खबरें इस तरह से आ रही थी छन के कि उनको कहा जा रहा है उनके समर्थकों की सेलिब्रेशन की तैयारी करिए। कल शाम से ये वहाँ से खबरें आनी शुरू हुई। आज जब सुबह हरीश रावत की कुछ मीडिया के लोगों से बात हुई तो उन्होंने उसमें कहा कि ये हो सकता है। आज शाम आते आते पूरा दिन ये घटनाक्रम चलता रहा कि हरीश रावत ने अनाउंसमेंट कर दी है कि सिद्धू ही अध्यक्ष होंगे। यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ 10 जनपद पे रात शाम के 7:30 बजे हरीश रावत जो है बैठक करके बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि सिद्धू जो है वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। मैंने ये कहा है कि एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और कैप्टन और सिद्धू को एक साथ मिलजुल के काम करना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि मेहरबा देर हो गई आते आते। सुबह जो उनका बयान चला उसके बाद सारा दिन जो अटकलें का बाजार था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता गया, जहाँ पर अलग अलग फॉर्मूला निकल के आया कि सिद्धू को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनके नीचे दो और वर्किंग प्रेसिडेंट्स होंगे, एक विजेंद्र सिंगला एक संतोख चौधरी। इसके साथ साथ सिद्धू ने भी वहाँ पे चंडीगढ़ में मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया, कैप्टन भी ने भी मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया। फिर खबर ये भी आई छनकर कि शायद कैप्टन रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि अभी तक जो हमारे को सोर्सेज बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से, जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पर क्लोज वॉच रखी हुई है पंजाब के ऊपर, वो कह रहे हैं कि अभी तक भी वो विनेबल फॉर्मूला नहीं निकल पाया क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिनके खिलाफ लगभग इतने सारे MLA 70 के ऊपर MLA जो हैं वो आए हैं, आके उन्होंने अपनी बात रखी है यहाँ पर। उसके साथ साथ दूसरी ओर सिद्धू हैं और इनके इन दो के अलावा एक और तीसरा खेमा भी है दिनेश, जिसकी अगुवाई जो है प्रताप सिंह बाजवा और जो अन्य पंजाब कांग्रेस के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं। तो ये तीन खेमे हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जब आए थे उन्होंने जब डीब्रीफ किया था यहाँ पर तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक विनेबल फॉर्मूला निकल आया जा रहा था कि प्रताप सिंह बाजवा जो है वो सिद्धू वाले मसले में कैप्टन के साथ खड़े हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाहर से आया हुआ कोई यहाँ पर प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं पाएगा, बीजेपी से आया हुआ है, जो खाटी कांग्रेसी हैं वही प्रोमिनेंस में रहेंगे। और ऐसे एक मुद्दे पे उन्होंने अपने कई डिफरेंसेस भुलाकर साथ आने की बात की थी, तो क्या वो खेमा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही गिना जाए? ये बात मैं जरा जल्दी से समझ लेता हूँ। मोहित, कैप्टन की तरफ क्या सारे लोग हैं? क्या सुनील जाखड़, क्या प्रताप सिंह बाजवा, क्या बाकी सारे लोग, मतलब माइनस सिद्धू, क्या सारे लोग कैप्टन के साथ हैं? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अभी भी अगर हम बात करें तो जो विधायक हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। 60 से 65 ऐसे विधायक हैं जो अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो सबसे बड़े विरोधी हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनके भाई फतेह जंग बाजवा, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास संख्या को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत है। जो विधायक गए थे दिल्ली उनमें से भी कई विधायकों ने सीधे तौर पे कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी। लेकिन ये बात भी साफ है कि पंजाब में अगर कांग्रेस को दोबारा आना है तो उनको कैप्टन का चेहरा लेकर ही आगे आना होगा। तो कैप्टन की कार्यप्रणाली से लोग जरूर नाखुश हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कैप्टन के पास नंबर नहीं है, उनके पास संख्या पूरी है। सांसद उनके साथ हैं, विधायक उनके साथ हैं, मंत्री उनके साथ है। लेकिन आज तो पहला बॉल जो है वो आला कमान की कोर्ट में है। कह दिया गया है कि अगर बात नहीं मानी गई तो दो फाड़ हो जाएगी पार्टी, कैप्टन ने कह दिया है। बहरहाल, अब आगे आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले अब देखिए, देश के कई हिस्सों में कोरोना से जुड़े नियमों को कैसे ताक पर रखा जा रहा है। हिल स्टेशन से लेकर बाजारों तक में भारी भीड़ उमड़ रही है, लापरवाही की हदें लागी जा रही हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री तक को बोलने पर बाध्य होना पड़ा था। एक शीर्ष वैज्ञानिक ने तो ये तक कह दिया है कि भारत में तीसरी लहर की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का कहना है कि तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन करीब बहुत है। आपको ये समझाने के लिए जरा इधर इंफॉर्मेशन वॉल की तरफ लेकर आते हैं। इस वॉल पर अगर आप निगाह डालेंगे और इन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे तो आपको ये लगने लगेगा, आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली लोग बहुत जल्दी डिसिप्लिन जो है उसको तोड़कर स्वच्छंद होना चाहते हैं और कोरोना इसकी इजाज़त दे नहीं रहा है। नए मामले और मौतों के हिसाब से अगर आप पूरी सिचुएशन को इस समय देख लें, 41,806 नए मामले आए हैं। कभी ये डिप भी कर गया था, ऐसा लग रहा था कि ये मामले कम होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 41,806 मामले और 581 मरीजों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। 5 राज्यों के आंकड़े ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाले हैं। 5 राज्यों में कोरोना के 75% नए केस आ रहे हैं
और केरल में सबसे ज्यादा 37.4% नए केसेस आए हैं, और इसके बाद महाराष्ट्र में 8,602 मामले, आंध्र प्रदेश में 2,591 मामले, तमिलनाडु में 2,458 मामले, ओडिशा में 2,074 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर लोग ये सोच रहे हैं कि अब निश्चिंत हो जाना चाहिए, देश के ये हिस्से उनको इशारा कर रहे हैं कि हालत ये वाली हो सकती है, अभी लापरवाही के लिए गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण जोर पकड़ता जा रहा है, जो इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि देश में तीसरी लहर जल्द ही आने वाली है। पूर्वोत्तर के चार राज्यों की बात करें तो यहां संक्रमण की स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती नजर आ रही है। कैसे वो देखिए जरा। नॉर्थ ईस्ट पर निगाह डालिए, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अगर यहां पर आप देखेंगे सिक्किम में पॉजिटिविटी रेट 19.5% है, मणिपुर में 15% है, मेघालय में 9.4% और मिजोरम में 11.8% पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 7.4%, नागालैंड में 6% और त्रिपुरा में भी संक्रमण की दर 5% से ज्यादा दिखाई दे रही है, और ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। खास तौर से इसमें मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम को देख लीजिए, 15%, 11.8% और 19.5% करीब करीब 20%, ये निश्चित रूप से फिक्र बढ़ाने वाली बात है। लेकिन यहां कुछ तस्वीरें हैरान भी कर रही हैं। ये नजारा देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं ये, और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये फूल नहीं बरस रहे हैं, ये असल में कोरोना नियमों की उड़ती हुई धज्जियां आपको नजर आ रही हैं। ये लोग AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हैं और अपने नेता के स्वागत में उमड़ पड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इनके ख्याल में कहीं पर भी नहीं है, मास्क कतई जरूरी नहीं लग रहा है इनको, और जाम भी लगा दिया है। दरअसल गाजियाबाद के डासना इलाके में आज ओवैसी पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में भी उनके ज्यादातर समर्थकों ने फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। डिस्टेंसिंग तो खैर कितनी थी ये दिखाई ही दे रहा है। हमने ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई हैं क्योंकि देश अभी कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आंकड़े डरा रहे हैं और सबसे ज्यादा डरा रही हैं हिल स्टेशन से आती तस्वीरें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आउटिंग भी जरूरी होती है, अपनी फैमिली है पूरी। थोड़ा सा ऐसे चले थे और यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा ही है, पर आए हैं तो होटल में बैठे नहीं रहेंगे, निकलेंगे कुछ ना कुछ। परवाह के घूम रहे हैं, देखने आए थे कि कैसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं। जो होना होता है वो होना ही होता है, चाहे वो हम कहीं जाएं या ना जाएं। कोरोना काल में एक और एक का जोड़ दो नहीं बल्कि 11 से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है, और ये बात पहाड़ों में भीड़ लगाकर मौज मस्ती करते इन लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आहट 130 करोड़ देशवासियों को डरा रही है, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सावधान कर रही है, और ये तस्वीरें देश के प्रधान तक की फिक्र बढ़ा रही हैं। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कोरोना की एक लहर के बाद दूसरी लहर और अब तीसरी लहर का डर, लेकिन इकॉनमी को पटरी पर लाने और कमाने खाने के लिए टूरिज्म खोलना भी जरूरी है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि मौका मिला नहीं और लापरवाही की हदें लांघ दी, घर से निकले नहीं कि कोरोना से बेखौफ हो गए। देखिए मौज मस्ती की ये तस्वीरें बिल्कुल ताजी हैं। शिमला के रिज मैदान, माल रोड पर इसी तरह रोजाना सैलानियों का जमघट लग रहा है। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, लोग यहाँ मास्क तक नहीं पहनना चाहते, और अगर बिना मास्क वालों के चालान कटे तो लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार आगाह कर रहा है, पहाड़ों पर लापरवाही की तस्वीरें दिखा रहा है, और इन सब के कारण यहां पुलिस की सख्ती बढ़ी है।
कोविड नियम और प्रोटोकॉल का हमारी सारी जनता ने शुरू से पालन किया है, आप भी आइए लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अगर आपको कोई पुलिसकर्मी या कोई हेल्थकर्मी बोलता है मास्क लगाने के लिए या डिस्टेंसिंग के लिए, तो कृपया करके उसका पालन करें। कोई समस्या आती है तो आप हमें बताइए, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं आपकी समस्या के लिए। हम बार बार आपको पहाड़ों की तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक तरफ वैज्ञानिक देश में तीसरी लहर पहुंचने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग हद से ज्यादा लापरवाह दिख रहे हैं, पहाड़ों पर बेफिक्री से मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि तीसरी लहर की वजह यही लोग बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में, तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड 19 से चलती हुई हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। पहाड़ों पर सावधानी क्यों जरूरी है, इसको आंकड़ों के जरिए भी समझिए। हिमाचल प्रदेश में अभी 1191 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 159 केस अकेले शिमला से हैं। उत्तराखंड में सैलानियों की बाढ़ आई हुई है और आए भी क्यों ना, ऐसी वादियों में आनंद से इनकार भला कौन करेगा। लेकिन अभी महामारी का ख्याल सबसे जरूरी है, हालांकि अभी सब पर लापरवाही भारी है। नैनीताल, रानीखेत, कोसानी, भीमताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मसूरी सहित दर्जन भर से ज्यादा पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है। अकेले उत्तर प्रदेश से ही बस सेवा शुरू हो जाने से प्रतिदिन 14,000 सैलानी उत्तराखंड जा रहे हैं। आगे वीकेंड और बकरीद है, लिहाजा भीड़ और उमड़ने की उम्मीद है, इसीलिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। बॉर्डर पर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है, बावजूद इसके लोग फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के जरिए बॉर्डर पार कर रहे हैं। देहरादून मसूरी में पुलिस ने ऐसे ही 13 लोगों को पकड़ा, अब तक इस मामले में करीब 100 लोग पकड़े जा चुके हैं। मतलब मौज मस्ती के लिए फर्जी बाड़ा भी जारी है और लापरवाही भी। जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है और जितने भी आरटीपीसीआर हैं और जिनके पास आपके पास यदि आपके पास परमिशन है, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपने होटल में बुकिंग करा रखी है तभी आपको एंट्री दी जा रही है। फर्जी आरटीपीसीआर के जरिए भी एंट्री कर ले रहे हैं लोग, उसकी भी जांच की जाएगी कि जो फर्जी आरटीपीसीआर से यदि आ रहे हैं तो उसको भी एक जांच का विषय है, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन अभी समय संयम का है क्योंकि अगर हमारा और आपका अनुशासन टूटेगा तो कोरोना का विस्फोट फिर से होगा और तीसरी लहर एक बार फिर कहर बरपा सकती है। वाकई इन तस्वीरों को बदलने की जरूरत है क्योंकि देश में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते आंकड़े और कोरोना के बदलते स्वरूप के बीच एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि तीसरी लहर का खतरा अब वास्तविक यानी रियल लग रहा है। यह जानकारी एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी ने दी है। UBS सिक्योरिटीज इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने कहा है कि खतरा असली है और बढ़ रहा है क्योंकि पहले रोजाना दी जा रही वैक्सीन की 40 लाख खुराक से इस समय संख्या घटकर 34 लाख हो गई है। करीब 45% संक्रमण के मामले ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए जा रहे हैं। तो अब तक आपने देखा कि एक बार फिर बढ़ते आंकड़े और लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना का दायरा बढ़ने लगा है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। दरअसल केरल में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पाए जा रहे हैं। 24 जून तक 2390 सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट में डेल्टा वेरिएंट के 1482 केसेस पाए गए हैं, अल्फा के 642, कप्पा के 197 और बीटा के 65 नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस आने का कारण डेल्टा वेरिएंट का अब गांव में पहुंच जाना है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा केस आने का कारण डेल्टा वेरिएंट का वहां देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में देर से पहुंचना है जो अब सक्रिय हैं। नॉर्थ ईस्ट की हालत लगभग यूरोप के जैसी है। जैसे यूरोप में डेल्टा वेरिएंट देर से पहुंचा और अब वहां से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केस और तीसरी लहर की आहट के बीच एक और फिक्र बड़ी होती जा रही है, वो है वैक्सीन संकट। देश के कई राज्यों का दावा है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है और इसकी वजह से टीकाकरण बंद है। वहीं आंकड़े भी बता रहे हैं कि देश में फिर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। इक्कीस जून को देश में वायरस पर वैक्सीन के वॉर का नया राउंड शुरू हुआ तो शाम होते होते वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगे तो ऐसा लगा कि भारत की बड़ी आबादी जल्द वैक्सीनेट हो जाएगी और कोरोना कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं
कि जुलाई के महीने में टीकाकरण की दर में करीब एक तिहाई की कमी आई है। 21 से 30 जून के बीच वैक्सीनेशन का औसत था 54,88,000 प्रतिदिन, जबकि 1 से 14 जुलाई के बीच का औसत है 37,63,000 वैक्सीन रोजाना। मतलब जुलाई में टीकाकरण में 31.43% की कमी आई है। अब आपको केंद्र सरकार के दावे और वैक्सीन की कमी का खेल समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने इस साल दिसंबर तक वैक्सीन की 225 करोड़ डोज मिलने का दावा किया था। एक खाका तैयार करके बताया गया था कि किस महीने में किस वैक्सीन की कितनी डोज मिलेगी। 14 मई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोवैक्सीन का जुलाई में उत्पादन 2 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ डोज हो जाएगा। कोविशील्ड के 7.5 करोड़ और स्पुतनिक के 2.08 करोड़ डोज मिलेंगे, यानी कुल 17.08 करोड़ खुराक जुलाई में मिलेगी। लेकिन 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में ही सौंपे पूरक हलफनामे में सरकार ने बताया कि जुलाई में वैक्सीन की 2 करोड़ डोज ही मिल सकेगी, यानी मई के अनुमान से 5.5 लाख डोज कम। कोविशील्ड की 2.5 करोड़ डोज ज्यादा, यानी कुल 10 करोड़ डोज मिलेगी। वहीं स्पुतनिक की उपलब्धता नए हलफनामे में स्पष्ट नहीं की गई है, यानी अगर जुलाई में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रोडक्शन को जोड़ दें तो आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंचता है, यानी उत्पादन के लक्ष्य से 5.08 करोड़ कम। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री बदलते ही टीके की उपलब्धता के आंकड़े भी बदल गए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 14 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जुलाई का टारगेट 17.08 करोड़ बताया। 23 जून को केंद्र ने कहा कि जुलाई में राज्यों को 22 करोड़ खुराक मिलेगी, और 14 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि जुलाई में राज्यों को 13.50 करोड़ डोज ही मिलेगी। अब जो जुलाई में वैक्सीनेशन के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसका भी गणित समझ लीजिए। 14 जुलाई तक राज्यों को 6.65 करोड़ डोज की सप्लाई हो चुकी है। 14 जुलाई तक लोगों को 5.26 करोड़ डोज दी जा चुकी है, यानी राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के पास अब सिर्फ 1.40 करोड़ वैक्सीन बची है। वैक्सीन की कमी के कारण फिर से वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने लगे हैं। दिल्ली में 14 अप्रैल को 500 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से टीकाकरण में 50% कमी आई। आंध्र प्रदेश में पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण अब केवल 45 साल से अधिक आयु के लोग, 5 साल से कम आयु के बच्चों की माताओं और विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। महाराष्ट्र में भी वैक्सीन की कमी का दावा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से अगले 3 महीने में प्रति माह 3 करोड़ डोज की मांग की है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई और राज्यों में से भी वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर के जरिए वैक्सीन संकट और राज्यों में खटपट को संभालने की कोशिश की, राज्यों को सही तरीके से प्लानिंग की नसीहतें दी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जरूरत नसीहतें और सहानुभूति की नहीं बल्कि वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देकर जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी तैयार की जा सके और कोरोना को मात दी जा सके। तो आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में वैक्सीन संकट की स्थिति है और तीसरी लहर पर वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक माना है और यह भी कह दिया है कि विश्व में तीसरी लहर शुरुआती दौर में है। कोरोना के बाद फिक्र में विश्लेषण पीएम मोदी के संकल्प की, जिससे काशी से लेकर गांधीनगर तक कायाकल्प की बयार बह रही है, और इसीलिए आज हम आपको काशी से गांधीनगर तक विकास यात्रा पर ले चलेंगे, जिसमें बदलाव की कई कहानियां होंगी। इस यात्रा में आधुनिकता के साथ अध्यात्म का संगम होगा, लेकिन पहले शुरुआत काशी से। आज काशी दौरे पर प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1,583 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने वाराणसी की धरती से अपने शब्दों में उत्तर प्रदेश के भविष्य का मैप भी सार्वजनिक
कर दिया। लेकिन इस सब के बीच सबसे खास रहा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। लोग कह रहे हैं कि अब काशी को शिव का रुद्राक्ष मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। प्रधानमंत्री मोदी को जब फिर से मां गंगा ने बुलाया तो काशी में विकास की गंगा बह निकली। आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने के सपने को पंख लग गए। 700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। प्रधानमंत्री जब सीधे जनता से रूबरू हुए तो काशी तो साक्षात शिव की नगरी है, उसे रुद्राक्ष मिल गया। सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। करीब 8 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो भोलेनाथ की नगरी में एक बार फिर हर हर महादेव के जयकारे लगे। पीएम मोदी के संकल्प से काशी के कायाकल्प की अनगिनत तस्वीरें दिखी। काशीवासियों को जापान की तर्ज पर वाराणसी के विकास की बड़ी झलक मिली और न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बना भविष्य का पूरा प्लान दुनिया के सामने आ गया। वाराणसी में जारी बदलाव की दहलीज पर जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने खुद यहां रुद्राक्ष का पौधा लगाया। अब ये रुद्राक्ष सेंटर काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना है और आने वाले वक्त में बनारस की नई पहचान भी। बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई है, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। वाराणसी के सिगरा में बना ये रुद्राक्ष सेंटर शहर के मिजाज के भी अनुरूप है। न सिर्फ नाम से बल्कि इसके निर्माण में भी शिव और काशी से जुड़ा अध्यात्म है। इस कन्वेंशन सेंटर में स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने लगाए गए हैं क्योंकि सनातन परंपरा में भी रुद्राक्ष की माला में 108 दाने होते हैं। ऐसे में जितना शानदार ये कन्वेंशन सेंटर है उतनी ही इसकी खूबियां भी हैं। इसकी खासियत ये भी है कि सेंटर शिवलिंग के आकार में बनाया गया है और इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 150 लोगों की क्षमता के 2 मीटिंग हॉल, 1 वीआईपी कक्ष और 4 ग्रीन रूम हैं। सेंटर में एक गैलरी बनाई गई है जिसमें विश्व प्रदर्शनी की सुविधा है। 3 एकड़ में बने इस सेंटर में 120 किलोवाट का सौर प्लांट और 200 किलोवाट का कनेक्शन है। यकीनन रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आधुनिक भी है और भव्य भी, साथ ही इसमें आध्यात्मिकता की भी झलक मिलती है। ऐसे में आज ये भी समझना जरूरी है कि जिस रुद्राक्ष सेंटर की चर्चा हो रही है उसके मूल में रुद्राक्ष है, लिहाजा आज रुद्राक्ष का अर्थ और उसकी आध्यात्मिकता को जानना जरूरी है। लेकिन पहले आपको बता दें कि रुद्राक्ष सेंटर का उपयोग क्या है। यहाँ बड़े कॉन्सर्ट, आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। वाराणसी में जिस स्तर पर बदलाव हुआ है उसे अब खुली आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन एक धार्मिक नगरी को आधुनिक मंच रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में मिलना वाराणसी की विरासत को समृद्ध करने की सबसे बड़ी पहल है क्योंकि रुद्राक्ष धर्मशास्त्र और जप योग का शब्द है।
और इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि ये रुद्र की आंखों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये रुद्राक्ष है, मतलब रुद्र की आंख वाला या रुद्र की आंखों से उत्पन्न। रुद्राक्ष शिव के उत्पन्न होने की वजह से ही शिव प्रिय है और इन्हीं वजहों से मान्यता है कि रुद्राक्ष शिव भक्तों की मनोकामना पूरी करता है। ये एकमात्र ऐसी माला है जिस पर सभी प्रकार का जप किया जा सकता है, मतलब ये कि रुद्राक्ष में शिव का संगम है और काशी शिव की नगरी है, यहाँ साक्षात शिव बसते हैं। ऐसे में रुद्राक्ष सेंटर पाकर काशी गदगद है। रत्नेश हमारे साथ हैं जो कि शुरू से ही जब से निर्माण कार्य हो रहा है से लेके अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते आए हैं। रत्नेश जरा मुझे आप समझाइएगा, जो बातें आप बता रहे थे इसकी तकनीक के बारे में आप बता रहे थे मुझे, इसको आप देख करके बताइए। हम अंदर आ चुके हैं, तकनीकी में आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर बना हुआ है इसको ऊपर की तरीके से, मैं आपको फायर फाइटिंग की बात कर रहा था तो फायर फाइटिंग के लिए आप देख सकते हैं स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्मोक होगा तो वो फायर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और खास तरह के टेम्परेचर और खास तरह के स्मोक पे ही वो चलेगा। अच्छा ठीक है, और देखिए कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। आज वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा 1,583 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी सौगात मिली, जो कल्पना को हकीकत में बदलने वाली उड़ान का साक्षात रूप है। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। चमचमाती काशी से आने वाले वक्त में कई सपने सच होंगे, अध्यात्म के साथ विकास का मेल होगा और 1500 करोड़ की योजनाओं से न सिर्फ पूर्वांचल की बल्कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। आज काशी को करोड़ों की सौगात देने के बाद कल पीएम मोदी गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। मॉडर्न लुक वाले रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधा है। रेलवे ने कीर्तिमान रचते हुए स्टेशन पर 5-स्टार होटल भी बनाया है, जिसमें वर्ल्ड क्लास लाउंज, ग्रीन बिल्डिंग, रेटिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां यात्रियों को शानदार अनुभव देने के लिए हर कोशिश की गई है। हमारे रिपोर्टर ने यहां पहुंचकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं आप तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने गृह राज्य गुजरात को कई सारी बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 8 ऐसी परियोजनाएं हैं जो अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर और गांधीनगर से लेकर वडनगर तक इन परियोजनाओं का संबंध है। और सबसे बड़ी परियोजना जो है वो गांधीनगर, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह का अपना लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र का ये सबसे बड़ा गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास बनाया गया है और भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें नीचे से ट्रेन गुजरेगी और रेलवे स्टेशन के ऊपर 5-सितारा होटल होगा। लगभग 800 करोड़ के खर्च से ये रेलवे स्टेशन और ये 5-सितारा होटल बनाया गया है और इस वक्त रात के अंधेरे में आप देखिए कैसी रंग बिरंगी रोशनी से ये पूरा रेलवे स्टेशन जगमगा रहा है। इस पूरे रेलवे स्टेशन की खास बात ये है कि बाहर से लेकर अंदर तक कई सारी सुख सुविधाओं से ये सुसज्जित और लैस होगा और वो सुख सुविधाएं वो हैं जो आपको आमतौर पर रेलवे स्टेशन में देखने को नहीं मिलती हैं। ये तमाम सुविधाएं आपको बड़े एयरपोर्ट्स में नजर आती हैं, वो सुविधा आप गांधीनगर कैपिटल जो कल तक एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक इसको माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इस तरह का रेलवे स्टेशन बनाने का सपना देखा था, जिसके बाद पिछले 3 सालों में इसको बनाकर अब तैयार कर दिया गया है और कल यानी 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात वासियों को, गांधीनगर वासियों को, देशवासियों को यह रेलवे स्टेशन उद्घाटन करके समर्पित करेंगे, सौंपेंगे और उसको लेकर फाइनल टच, फाइनल तैयारियां इस वक्त चल रही। रेलवे स्टेशन के अंदर जब आप दाखिल होंगे तो आपको ये एलईडी लाइट से जगमगाते हुई फॉल सीलिंग देखेगी जो अपने आप में रेलवे स्टेशन का लुक आपको नहीं देता है, आमतौर पर बड़े एयरपोर्ट्स पे आपको ऐसा नजर आता है। फिर सामने की तरफ आपको रेलवे स्टेशन के अंदर जाने का वो रास्ता नजर आएगा और सामने देखिए कि 4 मेटल डिटेक्टर डोर्स हैं, इनके जरिए आपको अंदर घुसना पड़ेगा। यहां आने जाने वाली हर गाड़ी की डिटेल आपको सामने की तरफ नजर आएगी और इसके अलावा आप देखेंगे 8 टिकट काउंटर्स हैं। ये एंट्री डोर है, वहां से लेके तमाम जो गुजरात में ऐसे बड़े मंदिर हैं, ऐसे बड़े प्रतीक स्थल हैं, वो आपको नजर आएंगे। इस पार से लेकर उस पार तक तमाम मंदिरों की तस्वीरें और इसके अलावा वॉल पेंटिंग्स भी आपको नजर आएंगी।
तीन प्लेटफॉर्म यहां पर बनाए गए हैं, 1, 2, 3 आपको पटरियां नजर आएंगी, ये एक्सपेंडेबल है, 5 प्लेटफॉर्म तक बनाने की योजना है। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 आपको नजर आ रहा होगा। जो सामने एक बड़ा 105 मीटर का आपको आर्क नजर आ रहा होगा, ये आर्क 105 मीटर लंबाई और चौड़ाई में है और पूरे रेलवे स्टेशन की भव्यता में 4 चांद लगाता है। और सबसे बड़ी बात इस आर्क की ये है कि ये विदाउट एनी जॉइंट, ये एक पैच में बनाया गया है और इसमें कॉर्नर्स में पिलर हैं, बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल, वो रेलवे स्टेशन है जिसके नीचे से रेल गुजरेगी और स्टेशन के ऊपर चमचमाता हुआ 318 कमरों वाला वो 5 सितारा होटल बनाया गया है जिसकी तस्वीरें आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस होटल पे आने के लिए एक विशेष तौर पर अलग फ्लाईओवर बनाया गया है जिसकी चमक आप जहां से ये फ्लाईओवर शुरू होता है वहां से लेकर यहां तक नजर आएगी। आपको इस सफेद रंग की एलईडी लाइट के जरिए ये पूरा आर्क जो नजर आ रहा है ये उस फ्लाईओवर का है जो इस विशेष 5 सितारा होटल में आने के लिए बनाया गया है और इसी के रास्ते आप इस होटल में दाखिल होते हैं। इधर दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो आर्क का ऊपरी हिस्सा है जो रेलवे स्टेशन को कवर करता है और शेड देता है, और ठीक इस आर्क के बगल में ये चमचमाता हुआ 5 सितारा होटल की तस्वीरें देखिए जो रंगीन रोशनी से नहाया हुआ है और 318 कमरों वाला लगभग 700-750 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो लगभग 800 करोड़ है जिसमें 93 करोड़ रुपए सिर्फ इस रेलवे स्टेशन को बनाने में खर्च किया गया है और लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा इस 5 सितारा होटल को बनाने में खर्च किया गया है। इस रास्ते के जरिए आप इस होटल में दाखिल होते हैं और ये इसका लॉबी एरिया होगा। सामने जो आपको रंगीन रोशनी दिख रही है ये पूरा उसका स्विमिंग पूल का और लॉबी का एरिया है, यहाँ बाहर फंक्शन कर सकते हैं और इसमें बड़े बड़े कई सारे ऐसे बॉल रूम्स हैं जहां पर एक साथ में लगभग 5,000 लोग अलग अलग फंक्शन में शरीक हो सकते हैं। पिकअपकी में अब कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। 19 जुलाई से पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। जिन सांसदों ने नहीं ली है वैक्सीन उन्हें कराना होगा कोविड-19 टेस्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया 323 सांसद ले चुके हैं टीके। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। हिंसा और पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता का जिक्र है। मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने प्रतिशोध में की थी हिंसा। ममता ने रिपोर्ट लीक होने पर जताई नाराजगी। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए तीखे सवाल। पूछा, आजादी के 75 साल बाद भी देश में इस कानून की क्या है जरूरत? अधिकारियों को कानून के गलत इस्तेमाल की देता है ताकत, इसमें उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने हटाई यूपी में डीजे बजाने पर लगी रोक। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर लगाया था प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के सुझाए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही डीजे बजाने की दी छूट। आज पूरी दुनिया में मनाया गया वर्ल्ड स्किल डे। इस मौके पर केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, 6 साल में सभी वर्गों और संस्थानों को जोड़कर किया जा रहा है नया प्रयास। 45 करोड़ लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ने का लक्ष्य। और अब देखिए कंकरेंट इवेंट्स पर एक कॉमिक सटायरिक टेक, जो है सो है। बिजली गिरने की इतनी घटनाएं, इतने लोग उसके शिकार शायद ही पहले कभी हुए हों। वैसे मेघ मल्हार गाने पर बारिश हो जाती थी, राग दीपक गाने पर दिए जल उठते थे, तो इतनी बिजली गिरने की वजह क्या लगती है आपको? एक के बाद दूसरे चुनाव में फ्री बिजली के वादे, बिजली को लेकर बने गाने, बिजली आना गिर पड़े अब तो ये सवाल है। बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी है? या फिर गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ती लोड ट्रिपिंग की घटनाएं, बिजली जाने की घटनाएं, उससे परेशान लोग, उनकी आहें, उनका गुस्सा, या फिर तार बिजली से पतरे, हमारे पिया जैसे कटाक्ष, या फिर कुछ और। लेकिन कुछ तो है, वरना कोरोना से परेशान लोगों पर वज्रपात, सिर मुंडाते ही ओले नहीं सीधे बिजली गिर रही है, बाकी तो जो है सो है। Oh.
अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।